अब बात कर्नाटक के हिजाब विवाद की। कर्नाटक हाई कोर्ट में आज फिर इस पर सुनवाई है। इस बीच कल से कर्नाटक स्कूल खुल चुके हैं। कर्नाटक ही नहीं पूरा देश हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो सोमवार को भी कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, हालांकि आज भी इसमें अहम सुनवाई होनी है। ड्रेस के रंग का हेडस्कार्फ लगाने की मांग पर यह सुनवाई हो रही है। हालांकि याचिका 5 छात्राओं की तरफ से दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि इस तरीके की पाबंदियां जो स्कूल कॉलेज में लग रही हैं उन्हें हटाया जाए, और इसी को लेकर आज अहम सुनवाई फिर से होनी है। ये नया भारत है, अखंड भारत की विचारधारा की सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये देश को समर्पित सरकार है। अब न गजबाए हिंद की तस्वीर करें वो, और ना ही यहां पर उस तरह की कल्पना करें। और अगर इस्लामिक स्टेट की कोई बात की कल्पना है भी, तो आसपास पड़ोस जहां का विभाजन किया था वहां जा सकते हैं। बार बार इस तरह की धमकी देना बंद करें। यह उत्तर प्रदेश और देश में अखंड भारत की विचारधारा की सरकार है, यही रहेगी, और देश पूरी तरीके से आज सुरक्षित हाथों में है। देश की पूरी 125 करोड़ जनता जानती। जो भी हम लोगों ने स्कूल में शुरू किया, अब सब जो पहनता है एक तरह का पहनता है, लेकिन अब सिर के ऊपर कोई कुछ लगा देगा, कोई कहीं ये सब लगा लेता है, चंदन उंदन ये सब लगा लेता है, तो उस सब पर कुछ है। इसलिए हम लोगों की नजर में तो कोई खास बात नहीं। अब बिहार में तो कहीं सुनते हैं कोई बात, लेकिन दुनिया देश में या कहीं भी कोई बात होते रहता हो एक अलग बात है। तो इसमें हम लोगों की क्या जरूरत है? हम लोग तो काम ही में है, और सबके लिए हम लोग काम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। कुछ लोगों का अपना अपना तरीका है, तो हम लोग उसमें इंटरफेयर थोड़ी करते हैं। कोई मूर्ति लगाना, कोई कुछ करना, अपने अपने ढंग से पूजा करना, तो सब तो अपना अपना कर्तव्य है, तो उसमें किसी पर कुछ है? इसलिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।